रहे हैं? ये राधे लाल से बात ही नहीं हो पा रही, पता नहीं मसला सुलटा कि नहीं सुलटा, ना फोन उठा रहे हैं ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। काम करते हैं। हम साला खुद ही जाकर देखते। अरे राधे लल्ला, अरे सुनो, हम तुम्हारे लिए ना ये लिट्टी, अरे लल्ला, हम लिट्टी चोखा बना रहे हैं। अरे कहाँ चला गया ये? अरे मेरे ईद के चांद, कहाँ क्या हो गया तुम्हें यार? तुम राधे सुनोगे? तुम क्या कर रहे हो? हाँ क्या रुको, साला चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, क्या हो जाएगा चलने से? क्या कर रहे? क्या पता है कि तुम साला गमगीन हो तो साले हमसे बात भी करना बंद कर दोगे तुम? चलो बे, गन्ने का रस पियो साले, डुबाए साले। भाई तुम रहने दो, हमको नहीं पीना है कोई गन्ने बनने का रस, तुम ही पियो साला। हमारा गन्ना बना पड़ा है यहाँ पे, तुमको गन्ने के रस की पड़ी है। हमारी बाइक है ना यार? हमारी ले लेना। भाई मसला सिर्फ बाइक का नहीं है साला, हमारी खुद की लाइफ में कोई इज्जत है अभी के नहीं? पापा जी हमारी पहली बार सुताई नहीं की है, इसके पहले भी कई बार कर चुके हैं, मगर अब तक बात घर में थी। मगर हमारे ससुराल में तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। वहां पे सोनल थी, बुआ जी थी, प्यारे दुलारे थे, और हमारे ससुर जी थे, जिनकी वजह से हमको जिंदगी में पहली बार मान सम्मान और इज्जत मिली। साला उनके सामने सुताई कर दी हमारी। मैं मिसेज क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? कल को हमारे बच्चे पैदा होंगे, उनके सामने भी ऐसे सुताई करते रहेंगे हमारी? नहीं यार, तुम गुस्सा खुद पे क्यों ले रहे हो यार? क्योंकि हम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई खुश नहीं है हमसे, ना कृष्णा जी, ना पापा जी, ना हम खुद। तुम एक काम करो, हमको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। पंडित, भैया आइए ना, अंदर आइए। बैठ। नहीं बस, बात करने के लायक तो नहीं हम, क्योंकि आपके जितने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बात कुछ ज्यादा जरूरी थी तो सोचे कि खुद ही चल के बता दे। 3 बरस के रहे होंगे भैया जब हमारे पापा का ट्रांसफर यहाँ कानपुर में हुआ, और हम इस मोहल्ले में दमके थे। वो कंचे होते ना, सब खेलते थे, हमारे साथ कोई नहीं खेलता था, बैठे रहते थे। तब हमारी जिंदगी में वो पहला लौंडा था जिसने अपने सारे कंचे हमें दे दिए और वापस कभी मांगे भी नहीं। और तब से लेकर आज तक हम उसके साथ हैं। गधा है, बेवकूफ, हम बोलना एक नंबर का गधा। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि दो मारे साले को ठीक कर दे, लेकिन जिंदगी में आज तक हम ऐसा किए नहीं, जानते क्यों? दुनिया है हमारी, वो माँ बाप तो हमारे बहुत पहले चले गए,
लेकिन मजाल हो कि एक सेकंड के लिए भी लौंडे ने कभी हमें यह महसूस होने दिया हो कि जिंदगी में अकेले। आज भी हमारे घर में जब मन हो तब आ जाता है, बिन मतलब के, बेवजह, ऐसे ही मारता हमें, पीटता है, रोता है, जो मन में बात होती सारी हमारे साथ कर। लेकिन आज ठीक नहीं किया, एक ही चीज थी हमारे दोस्त के पास, भोले भगत की तरह स्माइल करते थे और वो स्माइल छीन लिया आपने, रुला दिया आपने। भैया हमने कुछ नहीं किया है, हम सभी को वही बोल रहे हैं पर कोई हमारी बात समझ नहीं रहा है। हमने तो सिर्फ उनसे अपने मन की बात की थी। मन की बात? क्यों कभी आपने उसके मन की बात जानने की कोशिश की? पागलों की तरह प्यार करता है आपको वो। आपने तो अपने दिल की बात कह दी, उसका क्या हुआ? आपको तो उसकी जिंदगी में हमें चार दिनों है भाभी, लेकिन जो बाइक आज बिकी है ना, उस बाइक का सपना आपके आने के कई साल पहले से उसके आंखों में बसा था। ये देख रही है? ये क्यों? ये बाइक देख रही है आप? हाँ देख रही है, ये दिमाग खराब कर देता था हमारा कि एक बार बाइक चलाना सिखा दो, एक बार बाइक चलाना सिखा दो। बाइक सीखी, चलाई, क्या हुआ? बिक गई बाइक? कान पक गए थे सुन सुन के। पिछवाड़े के नीचे बाइक, कमर पे मिसेज का हार, और कुछ नहीं चाहिए था उसको, बाइक सिर्फ उसका सपना था भाभी। बाइक की डिमांड राधे लाल नहीं, मटुक जीजा ने की थी। आखिरी मौके पे वो फैले थे, वो बोले थे कि हमारे दूल्हे को बाइक मिलनी ही चाहिए। वो तो बेचारा कुछ बोला भी नहीं। पिटा राधे, सपना किसका टूटा? राधे का। फजीत किसकी हुई? राधे की। मजनू की तरह कौन घूम रहा है? राधे। आज जोड़ते भाभी आपके, हमारे दोस्त की मैसेज है आप, बहुत खास है आप हमारे, दिल से आपकी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलते राम जी। भैया स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।